जॉयसिस रेसिपी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए मेरी नई रेसिपी को देखने के लिए। हरी मिर्च डालिए, अदरक डालिए, ढक्कन लगा के मिक्सी चालू कीजिए, ढक्कन खोलिए, लहसुन डालिए, प्याज डालिए, जीरा पाउडर डालिए, धनिया पाउडर डालिए, ऑन कीजिए, कीजिए। देखिए रेडी है मसाला। कटहल को मैंने छोटा छोटा करके पीस कर लिया है, देखिए इस तरह से अच्छे तरह से काट के मैंने पीस करके रखा है। अभी इसमें मसाला को डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डालिए, नमक डालिए, सरसों का तेल डालिए, थोड़ा प्याज काट के डालिए इस तरह से स्लाइस किया हुआ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से इसको इस तरह से प्रेशर डाल डाल के मिक्स कीजिए। इस तरह से 2 मिनट तक इसको इसी तरह से मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखिए। अभी मैरिनेट के लिए ढक्कन लगा के 2 घंटे के लिए रख दीजिए। 2 घंटा हो गया, अभी ढक्कन खोलिए, अच्छे से फिर से मिक्स कीजिए। हो गया, अभी इसमें तेल डालिए, तेल को अच्छे से गरम कीजिए, थोड़ा नमक डालिए, इसमें आलू छोड़िए, फ्लेम में आलू को अच्छे से डीप फ्राई कीजिए। देखिए आलू फ्राई हो गया, इसको धीरे धीरे तेल से बाहर कीजिए। देखिए मैंने डीप फ्राई किया है आलू को, उसी तेल में तेज पत्ता डालिए, जीरा डालिए, तेल को थोड़ा हिलाइए, प्याज छोड़िए, हाई फ्लेम में प्याज को फ्राई कीजिए। मैं कटहल को मटन की तरह बनाती हूँ, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा तेल डाला है। देखिए प्याज फ्राई हो गया, ये देखिए कटहल को कढ़ाई में डालिए।
मैंने बड़ा सा एक कटहल लिया है जिसका वेट था 3.5 किलो। इसको अच्छे तरह से ऊपर नीच करके मिक्स कीजिए। ज़्यादा कटहल है इसीलिए हाई फ्लेम लगेगा, हाई फ्लेम में ये पकेगा। मैंने एक टाइम सब कुछ डाल दिया है इसीलिए अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ ढक्कन लगा के धीरे धीरे इसको पकाना पड़ेगा। ढक्कन लगा के मैं इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी, लेकिन बीच बीच में आके इसको थोड़ा हिलाना पड़ेगा। फ्लेम को कम कर दीजिए, ढक्कन खोलिए। अभी इसमें लहसुन डालिए, ढक्कन लगा के हाई फ्लेम में 2 मिनट तक पकाइए। गैस फ्लेम को कम कर दीजिए, ढक्कन खोलिए। सब्जी को ऊपर नीच करके अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपी के लिए। ऊपर नीच करके मिक्स कीजिए। देखिए ये बहुत कम हो गया, इसका मतलब सब्जी अच्छे तरह से पक गया। अभी इसमें धीरे धीरे गर्म पानी डालिए। अच्छे से पानी के साथ मिक्स कीजिए। हाई फ्लेम कर दीजिए, पानी को अच्छे तरह से उबाल आने तक इसको इसी तरह से पकने दीजिए। देखिए बॉयल शुरू हो गया, अभी इसको अच्छे से हिला लीजिए। अभी इसमें धीरे धीरे फ्राई किया हुआ आलू डालिए। आलू को अच्छे से कटहल के साथ मिक्स कीजिए। इसी तरह से हाई फ्लेम में 2 मिनट तक इसको पकने दीजिए। अच्छी तरह से सब्जी को पनीच कीजिए। इस तरह से मैंने जो कटहल बनाया है इसका जो प्रोसेस है ये मटन के जैसा है, और ये खाने का टेस्ट जो होगा वो भी मटन के जैसा ही होगा। एक टुकड़ा लीजिए, देखिए कितना सुंदर ये पक गया है। मैश करके देख लीजिए, ये देखिए कटहल अच्छे से पक गया। गरम मसाला डालिए, गरम मसाला को अच्छे से कटहल के साथ मिक्स कीजिए। हाई फ्लेम में 1 मिनट तक इसको पकने दीजिए। गैस ओवन को बंद कर दीजिए, ढक्कन लगा के 10 मिनट तक स्टैंडिंग टाइम दीजिए। टुडेज रेसिपी कटहल की सब्जी रेडी है।